अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने समर पैक क्लास 7 में से नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, माइनस का 5, इसकी होल पावर क्या है 6, दरमियान में साइन है इसका डिवाइड का, आगे फिर क्या है माइनस का 5, इसकी होल पावर क्या है 8 है। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है, मैंने पिछली दफ़ा भी यही बताया था कि दरमियान में जब हमारा साइन आ जाता है डिवाइड का तो हमने क्या करना होता है, जो हमारी पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ माइनस हो जाती हैं, यानी कि पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो अभी यहाँ पर देखें तो इन दोनों में से हमने क्या करना है, एक माइनस का 5 को ले लेना है कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो 6 है ये यहाँ पर आया हुआ है और इस डिवाइड की वजह से यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, साइन जो है वो माइनस का लगाया हुआ है और यहाँ पर ये जो है 8 इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब क्या है कि जब हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, यानी कि माइनस 5 की होल पावर आ जाएगी माइनस का 2। अब जो इस पावर के साथ माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना। इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस का 5 होल पावर 2। यहाँ पर प्लस है लेकिन हमने लगाया हुआ नहीं है क्योंकि वो होता है। अब यहाँ पर देखें तो ये कितने 5 हैं, 2 5 हैं, यानी कि ऊपर 2 पावर है इसकी वजह से ये 2 हैं। तो 1 ओवर माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, पहली बात तो ये है कि हमने इनको प्लस कर लिया। अब क्या है, 5 5 ज़ार 25, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 25 आ गया, यानी कि 1 ओवर 25 प्लस का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 8a² प्लस 4a ओवर माइनस 2a। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने 4a को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 4 2 8a प्लस यहाँ पर जो 4a है इसको तो हमने रख लिया था कॉमन, लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो जब हमने 4a को कॉमन ले लिया तो ये नीचे जो 2a है ये 4a के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, अंदर हमारे पास वही क्या है 2a प्लस का 1 और नीचे जो है माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया है, इस माइनस के 1 को ऊपर लेके जाना है, यानी कि इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि जब इसके साथ ये डिवाइड होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये इसी तरह हमने साथ लिखा, माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4, यानी कि 2 2 4a प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।